नमस्कार, मैं हूँ नीलम मौर्य और मेरे YouTube चैनल नीलम्स रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट जलेबी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें 1 कप मैदा, चीनी 2 कप, दही 3 चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, ये मैंने घी लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, 4 से 5 छोटी इलायची जिसको मैंने बारीक कूट ली है, ये फूड कलर है, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, ये जलेबी बनाने के लिए बॉटल है, आप चाहे तो छाछ के पैकेट या दूध के पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बाउल में हम मैदा को बेकिंग पाउडर, ये फूड कलर है, ये मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें, इससे हमारी जलेबियों का कलर अच्छा आएगा। हमें चाशनी में भी डालनी है इसलिए अभी मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दही, इन सब चीज़ों को मुझे अच्छे से मिक्स करना है। इसको हम धीरे धीरे सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिलाना है। ध्यान रखें इसमें लम्स नहीं आने चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है जिससे हमारा बैटर पतला नहीं होगा, हमारा बैटर एकदम परफेक्ट बनेगा। इसको हमें अच्छे से फेंटना है। ये देखिए, इसको हम और फेंटेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। देखिए एकदम हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा बैटर एकदम रेडी है। अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब एक पैन में हम 1 चीनी और 1 गिलास पानी डाल के इसकी चाशनी बनाएंगे। हमें गैस का फ्लेम एकदम हाई रखना है। 1 चम्मच की सहायता से हम इस चीनी को अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये पैन में लगे नहीं, क्योंकि हमारा गैस तेज है, इससे चीनी जल सकती है। ये देखिए हमारी चाशनी बॉयल होने लगी है। अब हम थोड़ा 1 चम्मच इसमें दूध डालेंगे जिससे हमारी चाशनी में जो भी गंदगी है सब निकल जाएगी। गैस का फ्लेम एकदम हाई होना चाहिए। हमारी चाशनी अच्छे से उबल चुकी है। अब देखिए चाशनी के चारों तरफ गंदगी निकल गई है। अब इसको हम चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। मैं यहाँ चम्मच से निकाल रही हूँ, आप चाहे उसे छन्नी से छान भी सकते हैं। इससे हमारी चाशनी एकदम क्लीन हो जाएगी। ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे जिससे हमारी चाशनी में अच्छा कलर आ जाएगा। इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। इसको हम मीडियम आंच पे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। अब हमारी चाशनी एकदम रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची डालेंगे। आइए चेक करते हैं। ये देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे। अब एक पैन में हम घी डालेंगे।
जब तक हमारा घी गरम होता है तब तक हम बैटर को देख लेते हैं। तो चलिए ये देखिए हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है। अब इसको हम थोड़ा सा चला के अब इसको हम बॉटल में भरेंगे। एक चम्मच की सहायता से हम इस बॉटल में अपने बैटर को डालेंगे। तो चलिए हम अपनी जलेबियाँ बनाना शुरू करते हैं। हमारा घी बिल्कुल गर्म हो गया है, हम इसको मीडियम आंच पे बनाएंगे। हमें जलेबी को अच्छे से सेकना है। अब एक चिमटे की सहायता से हम जलेबी को पलट लेते हैं। हमें दोनों साइड बराबर सेकनी है जलेबी, जिससे हमारी जलेबियाँ बिल्कुल क्रिस्पी होंगी और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। ये देखिए हमारी जलेबियों का कलर चेंज हो रहा है, ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो रही हैं। हमारी जलेबियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। हम जलेबियों को सीधे चाशनी में डालेंगे और 7-8 सेकंड में इसको फिर निकाल लेंगे, नहीं तो हमारी जलेबियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। हम बाकी की जलेबियों को भी ऐसे ही बना लेते हैं। इनको भी हमें दोनों साइड से बराबर सेकना है। ये देखिए हमारी जलेबी ये भी सिक गई हैं, इनको भी हम चाशनी में डाल के 7-8 सेकंड बाद इसको भी निकाल लेंगे। ध्यान रखें ये देखिए हमारी बिल्कुल जलेबी रेडी हो गई है, चाशनी बिल्कुल सोख ली है ये। अब इसको आइए एक प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म जलेबियाँ एकदम रेडी हैं। मैंने इसे दही से सर्व किया है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। प्लीज़ मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत अच्छी लगेंगी।